जब भी आप अपनी कार या फोर व्हीलर को हाई स्पीड पे दौड़ाते हैं तो आपके फ्यूल की खपत भी डबल हो जाती है, और हाई स्पीड पे दौड़ाते वक्त अगर कार की खिड़कियां भी खुली हैं तो 10% ज्यादा ईंधन वेस्ट होता है। इसीलिए जब भी आप हाई स्पीड पे कार को दौड़ाएं तो कार की खिड़कियां बंद कर लें। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब भी आप अपनी कार को 45 किलोमीटर पर आवर से 75 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ाते हो तो उस वक्त आपके कार की ईंधन की कंजप्शन लोवेस्ट होती है। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर किसी बोल या पत्थर को किसी ढलान पर रख दिया जाए तो वो तुरंत लुढ़क जाएगा, लेकिन चेन्नई के महाबलीपुरम में 45 डिग्री की ढलान पे एक 200 टन वजनी और 20 फीट ऊंची रोक कितने ही 100 सालों से उसी ढलान पे बिना लुढ़के वहीं के वहीं टिकी हुई है। ना जाने कैसे और इसके पीछे का क्या रहस्य है कोई नहीं जानता। 1908 में चेन्नई के गवर्नर ने उसी बड़ी रॉक को 7 हाथियों से खिंचवाने की कोशिश करी, लेकिन हाथी हार मान गए, पर वो रॉक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। गाइस, उस रॉक का नाम है कृष्णा बटर बोल। आपको इस रहस्यमयी बोल के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। सैमसंग, आज के पहले तक आपने इस कंपनी का नाम सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री में ही सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सैमसंग मोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है। जी हाँ गाइस, पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो कि सैमसंग CNT यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड कंपनी ने बनाई है। इनफैक्ट पूरी ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के मेन कंस्ट्रक्टर में सैमसंग CNT का नाम आता है, जो कि सैमसंग की पेरेंट कंपनी है। क्या इसके पहले तक सैमसंग कंपनी का ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखें। गाइज, आपने वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन की किताब के बारे में तो जरूर सुना होगा, जैसे कि 2021 में वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन का किताब साउथ कोरियन सिंगर वी यानी कि किम टाई ह्यूंग को दिया गया, और इस लिस्ट में बहुत बार ऋतिक रोशन का भी नाम आया है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने कभी वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम हॉर्स के बारे में सुना है? जी हाँ गाइज, अनऑफिशियली वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम हॉर्स का किताब फ्रेडरिक द ग्रेट को दिया गया है। फ्रेडरिक द ग्रेट दुनिया का अनऑफिशियली सबसे हैंडसम हॉर्स है। गाइस, आपको इस हॉर्स के बारे में सुनके कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, क्या आप दिन में सोते हैं? अगर आप दिन में सोते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये आदत आपकी सेहत के लिए और आपके काम के लिए बहुत अच्छी है। एक स्टडी से पता लगा है कि दिन में छोटे छोटे पावर नैप लेने से आपकी क्रिएटिविटी और आपका फोकस बढ़ता है, और बाकी बचे हुए दिन में आप फ्रेश फील करते हैं। ना सिर्फ ये, स्टडी से ये भी पता लगा है कि जो लोग दिन में पावर नैप लेते हैं उनके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 30% कम होते हैं उन लोगों से जो पूरे दिन काम करते रहते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट। गारंटी और वारंटी, आखिर इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो कोई हमें गारंटी देता है, कोई हमें वारंटी देता है, कोई गारंटी और वारंटी दोनों देता है और कोई तो दोनों ही नहीं देता। पर सवाल यह है कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट वारंटी में है, और अगर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिपेयर करके आपको वापस देगा, यानी कि वारंटी के केस में रिपेयर होता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट गारंटी में है और फिर वो खराब हो जाए तो दुकानदार उसे रिप्लेस करके आपको वापस देगा, यानी कि एक नया प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब मतलब क्या निकला? वारंटी के केस में रिपेयर होता है, लेकिन गारंटी के केस में रिप्लेसमेंट होता है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे दो फैक्ट आपको बहुत काम आ सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट के लिए रस्सी कूदते हैं तो ये आपके 200 कैलोरीज को बर्न कर सकता है, इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, और ये कार्डियो में बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है जो आपको फिट रख सकती है। नंबर 2, साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च से पता लगाया है कि जो लोग ज्यादातर अपना समय इंडोर बिताते हैं उनके आंखों के और उनकी इम्यूनिटी के वीक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा बाहर निकलिए और अच्छी हवा खाइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने।